नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। बुधवार की देर रात रामनगर में रामनगर वन विभाग और वन निगम के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से वन निगम की लॉट में काटी गई सागौन की लकड़ी चोरी कर ले जाने के मामले में एक बैगनार कार को दबोचते हुए कार के अंदर से चोरी कर ले जा रहे 3 सागौन की लकड़ी के गिल्टे बरामद किए। हालांकि इस दौरान लकड़ी तस्कर अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोसी रेंज के रेंजर शेखर तिवाड़ी ने बताया, वन निगम द्वारा जंगल में सागौन की लकड़ी का कटान किया जा रहा है और कल रात कुछ तस्कर निगम द्वारा काटी गई उक्त लकड़ी के लॉट में से सागौन की लकड़ी के 3 गिल्टे चोरी कर ले जा रहे थे, जिन्होंने बैलगढ़ के समीप कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि तस्कर मौके से फरार हो गए और विभाग द्वारा उक्त कार और लकड़ी को कब्जे में लेकर अज्ञात तस्करों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि बरामद लकड़ी की कीमत करीब 50,000 रुपये है। साहब, एक बैगनार गाड़ी पकड़ी है जिसमें सागौन की लकड़ी बरामद होती है, कितनी लकड़ी कहाँ से काटी जा रही थी, कितने की इसकी कीमत है? कल रामनगर वन विभाग को जो है वन निगम के कर्मचारी संयुक्त गश्त पर थे तो हमारी एक लॉट कटती थी है बेलगढ़ के समीप, जहाँ पर उक्त गाड़ी को देखा गया जिसमें 2-3 लोग जो है इस गाड़ी पर थे जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपये है। अपराधियों की खोजबीन हमारे द्वारा जो है की जा रही है। नगर वन प्रभाग की कोसी रेंज के कर्मचारियों ने बीती रात अज्ञात लकड़ी तस्करों को से एक वैगनार गाड़ी बरामद किया जिसके अंदर 3 गिल्टे सागौन की लकड़ी के बरामद हुए। हालांकि तस्कर मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर वन कर्मियों को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोसी रेंज के रेंजर शेखर तिवारी ने बताया कि बुधवार की देर रात जो है वन निगम के कर्मचारी और उनकी रेंज के कर्मचारी संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे। इसी बीच बैलगढ़ के समीप एक वैगनार गाड़ी जो है वन कर्मियों को देखकर भागी, जिस पर शक होने पर वन कर्मियों ने इसे बैलगढ़ से कुछ ही दूरी पर जाकर इस वैगनार कार को पकड़ जिस पर दिल्ली का नंबर अंकित था। उन्होंने जब तलाशी ली तो कार के अंदर 3 विशाल सागौन की लकड़ी के गिल्टे बरामद हुए। उनका कहना है, रेंजर शेखर तिवारी ने बताया कि अंधेरा का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी खोजबीन की जा रही है। और उन्होंने बताया कि गाड़ी को लकड़ी को जो है वह रेंज कार्यालय लाकर खड़ा कर दिया गया और इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी खोजबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह लकड़ी वन निगम द्वारा जो है तेड़ा के समीप एक वन निगम की लॉट कट रही थी और ये लॉट का माल चोरी कर तस्कर ले जा रहे थे। उन्होंने कि इसकी जानकारी वन निगम के अधिकारियों को भी दे दी गई है और उन्होंने दावा किया है कि शीघ्र ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये खबर तैयार की है आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।